उत्तर प्रदेश के मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम अब जनसंघ के नेता दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें मुगल सराय स्टेशन का नाम बदला जाना है। सरकारी नियमों के मुताबिक किसी स्टेशन, गांव व शहर का नाम बदलने के लिए राज्य सरकार को गृह मंत्रालय से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। जल्द ही सरकार को ये सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा। इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने से पहले राज्य के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक अधिसूचना जारी की जाएगी, ताकि आम लोगों को मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने पर किसी समस्या का सामना न करना पड़े।